बहुत लोग आए बताए, नाम नहीं बता रहे। लगभग चौथा चुनाव था, उस समय ददुआ डाकू था, चित्रकूट बांदा करबी महोबा हमीरपुर, बड़ा जलवा था उसका, यूपी और एमपी के दोनों के बॉर्डर पे ददुआ। उसके बाद आया ठोकिया, दोनों डाकुओं ने मुझे कहा कि विड्रा हो जाओ तुम चुनाव से विड्रा हो जाओ। और जो हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा हुआ था कहा कि इसको जीतना, तो मैंने कहा गोली मार देना, जनता कहेगी विड्रा हो जाओ तब तो तुमने ठोकिया। तुमने 300 लोगों को ठोका है, 300 हत्याएं की हैं, गोपाल भार्गव इस मिट्टी का बना हुआ है, आप हमारे शरीर में हमारे वजन के बराबर आप शीशा डाल देना, तब भी हम उठ के फिर कहेंगे कि जिएंगे तो जनता के लिए, मरेंगे तो जनता के लिए। गुंडे और डाकुओं के धमकियों में हम चुनाव नहीं छोड़ेंगे। अब तो कांग्रेसी भी ले रहे हैं मजा, कोस भले ही रहे हैं, धीरे से पैसा जेब में खोजते जा रहे हैं, रुपये लेवे को सबसे आगे, और पता ही नहीं चल रहा वो गोले आगे रख ले कांग्रेसियों ने। और जब बूटो हो जाओ भैया हम तो कांग्रेस यहाँ आए, हमने आज हमारे दद्दा ने नहीं दई, हमारे बब्बा ने नहीं दे, कहूँ दूसरे को हम तो असली कांग्रेसियाँ हैं। भैया मैंने कहा जब भाजपा की सरकार के तरह डब्बल आए तो दद्दा नहीं लियो तुम, ए डब्बल को ना ही कर रहे हैं, डब्बल को ना ही कर रहे हैं, बड़े आए है कौन तुम्हारे आए। हमने कहा हमारी सरकार तुम्हारी सरकार ने दो। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। रामायण में एक श्लोक है, इनके साथ पहले भी हमने पढ़ा था कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामा यड़े निगतितम कुछ तन्न तोपी और शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद मतमुन जुलमा तनोती। तमाम बोली हैं, तमाम भाषाएं, लेकिन प्रेम मोहब्बत की जो भाषा और बोली है, मुझे मध्य प्रदेश में यह एहसास होता है कि तमाम नेता एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, तमाम चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी रात दिन प्रचार कर रही है, लेकिन पता नहीं क्या मोहब्बत है एक शख्सियत में कि रात के 2 बजे भी लोग यहाँ जमा हैं और बस उसी नेता का नाम लेते हैं जिसका नाम है गोपाल कृष्ण भार्गव। नेता तमाम होते हैं, नेताओं की राजनीति के अंदाज भी तमाम होते हैं, लेकिन जब जब नेतागिरी और सियासत की बात आती है तो मैं कहता हूँ एक चलता फिरता राजनीति का विश्वविद्यालय है जिसका नाम गोपाल भार्गव। भाई तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी साहब, नमस्कार। मैं तो मैंने कल्पना से बाहर ये बात करूँगा, तो बहुत राजनीतिक देखे हमने, हमने अपने जीवन में भी बहुत नेतागिरी देखी, लेकिन पता नहीं क्या जादू है आप में और स्नेह मोहब्बत के अलावा कुछ है ही नहीं रहनी। बेटे भाई ये मैं भी सोचता हूँ कभी कभी, जब रात में सोने जाता हूँ, ये सब लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे प्रेमी हमारे चाहने वाले लोग आते हैं, गांव-गांव से चले आ रहे, दूर दूर से चले आ रहे हैं, 12 बजे रात को चले आ रहे थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, लेकिन वहीं उसका हल भी मुझे लगता है कि मिल जाता है। लगातार पाँचों साल जो दिन में और रात में दो दो तीन तीन बजे रात को जाग के जो मदद के काम होते हैं मिलन की, ये जो आज आप देख रहे हैं लोगों की भीड़, ये भीड़ पाँचों साल एक जैसी रहती है, कोई ऐसा नहीं कि चुनाव की हो। गैर चुनाव के बाद भी आप जब यहाँ आएंगे तब भी आपको ये लोग मिलेंगे, चुनाव के पहले ही मिलेंगे, 2 साल बाद भी ये लोग मिलेंगे, तो मान के चलो कि ये लोगों का प्रेम है स्नेह है वो तो काम करने। लोगों के काम करने, उनकी मदद करने, उनकी सहायता करने का जो थोड़ा मेरा एक प्रकार से शौक कह लें या फिर मेरा जो राजधर्म कह लें, उसका जो मैं निर्वहन करता रहता हूँ, इसके कारण से लोग लगातार आते हैं, प्रेम करते हैं, कुछ लोग नफरत भी करते होंगे अपने अपने कारण से,
अब जो भी कारण रहते हों, इनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाते हों और भी बातें, लेकिन जितना प्रेम मुझे मिला ये बात सही है, ये देव दुर्लभ है, ये ईश्वर की अनंत कृपा से ही संभव है। अन्यथा एकाध चुनाव के बाद लोग गालियां देने लगते हैं, अरे ये तो बेकार है, सरपंच के लिए, पार्षद के लिए और भी कोई चुने हुए प्रतिनिधि, अरे तो उसने ये नहीं किया, नाली भर, ये सीसी रोड नहीं बना, हैंडपम्प नहीं लगा, लाइट नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम बातें होती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये सब बातें मेरे बारे में कम है। एंटी इनकम्बेंसी जो आपने शब्द कहा, ये एंटी इनकम्बेंसी मुझे लगता है कि यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आदमी मेरे घर से खाली नहीं जा पा। अब भाई कोई असंभव काम बताए ऐसा कि जो संभव नहीं हो, कोई ये कहे कि मैट्रिक पास लड़का है इसके लिए कलेक्टर बना दो, तो संभव नहीं है। अब बुरा मन मान जाए कोई, कई लोग ऐसे आते परीक्षा में बैठे नहीं है, लड़का को मास्टर बना दो, तो हमने आजकल वो प्रक्रिया बंद है सीधी भर्ती की, ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार होता है कि मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसके क्लास 3 की नौकरी दे सकते हैं कैबिनेट के अनुमोदन से, लेकिन मैं मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं, तो कभी कभी वैसे नाराज़ हो जाते हैं कुछ लोग, लेकिन लोगों की मदद सहायता इलाज के लिए, शादियों के लिए, मृत्यु हो जाए किसी की, बीमार हो जाए कोई, या फिर अन्य कोई आपदा विपत्ति आ जाए, इसमें जो काम है, कहते हैं धीरज धर्म मित्र उनारी और आपातकाल परखे चारी कहा गया। तो ये सबसे बड़ा, जैसे कोरोना आया, अब कोरोना में भगदड़ मच गई, लड़का बाप के काम नहीं आ रहा है, बाप लड़के के काम नहीं आ रहा है, भाई भाई के काम नहीं आ रहा है, और तो पति पत्नी जिन्होंने साथ फेरे लिए, साथ में जीवन मरण की कस्में खाई, मैंने देखा कोरोना में, सागर का प्रभारी मंत्री था कोरोना काल में, कोरोना का प्रभारी मंत्री सागर और नरसिंहपुर जिले का मुझे मुख्यमंत्री ने बनाया, मैं BMC में मेडिकल कॉलेज में देखता, कई लोग है पिता की लाश को ऐसे छूते नहीं थे, वो वार्ड बॉय को दे देते थे 2-4 हज़ार रुपया कि ये ले लो आप थैलिया, ये मेरे पिताजी हैं, और नगर निगम की जो लाशों की वो गाड़ी रहती थी उसमें मोती नगर मार्केट पे वो, ये उसका दाह संस्कार होगा विधि विधान से करवा देना, और ये थैलिया है, अस्थियाँ जो हैं थैली में रख के मेरे इस नंबर पे भिजवा देना, 2000 रुपये और दूंगा मैं तुम्हें। मैं वहीं खड़ा सुन रहा था इस बात को, तो मैंने कहा आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। आप कितने भाई हैं? बोले 6 भाई हैं। मैंने 5 भाई भी नहीं आए? बोले नहीं आए, अलग अलग रहते हैं, एक भाई अमेरिका में रहता है। तो मैंने सोचा कि यार जब पिता ने जिसने जन्म दिया उसने किट पहन के, ये चाहता तो पिता के दाह संस्कार में शामिल हो सकता था। तो मैंने कोरोना उस भयावह सा, वो काल के गाल थे, वो काल के गाल, कोरोना नहीं था। तो हम लोगों ने, हमने और दीपू ने, लड़के ने, एक इकलौता लड़का, हम लोगों ने जो मदद की, यहाँ कोरोना सेंटर खोला, सागर भेजा, चिराई भेजा, उस समय हम सागर में एक अस्पताल चलाते थे सागर की, तो जितने लोग यहाँ कोरोना से प्रभावित थे, गाड़ियों में भर भर के भेजे, सबकी CT स्कैन कर, फेफड़े की जांच कर लो, हमें तुम्हारे उससे मतलब नहीं है, पट्टी से वो क्या कहते हैं जो कोरोना का टेस्ट होता है, उससे मतलब नहीं है, उससे सही रिजल्ट नहीं आता, आपके फेफड़ों की हम जांच करवाएंगे और यदि उसमें दाग मिल जाएगा, कोई स्पॉट होगा उसका इन्फेक्शन का, तब फिर हम आपके लिए, पर आप देखो उस वक्त है, मुझे रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो 50,000 रुपये ब्लैक में मिले, मेरे एक मित्र ने मुझे सैकड़ों की संख्या में इंजेक्शन उपलब्ध कराए और उसने फ्री में दिलाए, बम्बई मेरा एक मित्र था। तो ये इसलिए होगा क्योंकि हमने दोस्त बनाए, मित्र बनाए, पहचान बनाई। आप कल्पना करें कि यहाँ के लोग अरुणाचल प्रदेश में काम करने गए थे, वहाँ काछी परिया के, अभी नमे को मिल गए थे, हमें वहाँ मेला लगता है, काछी परिया अरुणाचल गए खम्भे गाड़ने के लिए, कोई ठेकेदार ले गया, अब वहाँ टावर नहीं मिल रहा था तो पेड़ पे खड़े, पेड़ के ऊपर से रो रहे हैं, भैया यहाँ पानी गिर रहा, लगातार ठेकेदार भग गया, 6-7 साल से ना, 6-7 दिन से मजूरी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, आप हमें बचा लो भैया। हमने गाड़ी भेजी यहाँ से, खाली गाड़ी, गामा गाड़ी, कि जिसमें 8-10 लोग बन जाए, और वो आसाम में जाके गुवाहाटी के आगे मिलिट्री ने रोक ली, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अशांत प्रदेश, दंगाग्रस्त प्रदेश था,
रोक लिया आर्मी ने मिलिट्री ने, तो मैंने देखा डायरी, मैंने कहा सीएम कौन है जहाँ बात करेंगे, तो सीएम में परिचित नहीं थे। राज्यपाल मुझे लगा कि ये थोड़े परिचित हैं, मिश्रा जी थे, तो मैंने मिश्रा जी को रात को फ़ोन किया इतने मजे करीब, तो उठे कौन बोल रहा है, तो मैंने कहा मैं गोपाल भार्गव, मैं उस समय मंत्री नहीं था, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था उस समय, तो मैं गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश से लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा हूँ, क्या समस्या आ गई, तो मैंने कहा हमारे कुछ क्षेत्र के लोग आसाम वहाँ अरुणाचल प्रदेश में फंसे हैं, उन्हें निकालना हो और इनके वाहन के लिए जो मैंने भेजा है वहाँ आर्मी ने रोक लिया, यदि वाहन पास हो जाए, रो रहे हैं बेचारे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वापस लौटा है, तो काछीपरिया गांव के 8 लड़के अभी मुझे मिल गए थे नमे के, मैंने मोबाइल पे फ़ोटो भी डाली थी संयोग से, वो मिल गए, उन्होंने कहा कि भैया हम ही हैं जिनके लिए आप समझा, तो ये बड़ा सुख देता है। तो जब गवर्नर से मैंने फ़ोन किया तो गवर्नर ने कहा रुक जाओ आधा घंटे बाद बताते, आधा घंटे बाद उन्होंने वो गाड़ी पास करवा दी वहाँ के लिए अरुणाचल के लिए, और वो लोग 3 दिन बाद, क्योंकि 2500 किलोमीटर दूर था, लौट के काची पर ही आ गए, फिर मिले, फिर इसके बाद अब संयोग से ये था कि मैं अभी इतना 3-4 साल का समय गैप हो गया, मैं जब अभी नमे के दिन वहाँ गया, ज्वाला देवी का मंदिर है वहाँ पे, तो लोग मिल गए 8 तो अच्छा लगा मुझे मिल के, उनको भी अच्छा लगा, फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, मैंने फ़ोटो खिंचाई 8 के नाम लिखे और मोबाइल पर भी डाली मैंने कि आज मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई। तो ये पद जो है, जो पहचान है, प्रभाव जो है, वो यदि जनहित में लोग के काम आए तो अपना राजनीतिक जीवन सार्थक हो जाता, धन्य हो जाता है, और पद धन्य हो जाता है कि वास्तव में इतने लोगों ने मुझे पद दिलाया और मैं उनके काम आया, सब छोड़िए। तो ये जो प्रेम है लोगों का, इसने एक बात से नहीं होता, सैकड़ों बातें, दागा गुड़गांव, सूरत, बड़ौदा, यहाँ गोवा, कहाँ कहाँ फंसे थे लोग, लॉकडाउन था, बाहर नहीं चल रहे थे, ये और वो दुनिया, अपनी गाड़ियाँ भेज भेज के जहाँ जैसी जुगाड़ लगी अपना पत्र लिख देते थे, ये हमारे क्षेत्र के लोग आ गए सैकड़ों की, मेरे पास सारे लोगों के नाम, पता, रजिस्टर, मोबाइल नंबर, सब कुछ मेरे पास में आज सनद रखे हुए हैं, सारी चीज़ें। तो ये प्रेम ऐसे ही नहीं होता मध्य प्रदेश में, अगर देखें तो कहीं शिवराज की सभा हो रही, कहीं मोदी जी को बुलाया जा रहा, कहीं अमित शाह है। अभी हमने जनता से बात की कि यहाँ कोई सभा नहीं होती, तो जनता ने कहा कि गोपाल भार्गव ही हमारे प्रधानमंत्री, वो ही मुख्यमंत्री हैं, वो ही सब कुछ हैं, माने ये जो आपका बड़ा स्नेह है कि यहाँ सभा की जरूरत ही नहीं। नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अकारण क्यों हम लोगों को परेशान करें, गांव-गांव से गाड़ियां भेजें, फिर उनको ढोएं सभा के लिए, ये करें, जब लोग इतना प्रेम देते हैं, सब कुछ देते हैं, लोग हमें जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं। अब सभा तो ऐसी होती है कि जो भी करेगा आधा एक घंटे भाषण देगा, भीड़ जुड़ेगी, डिस्पर्स हो जाएगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक है, नीतियाँ समझाने के लिए, कार्यक्रम समझाने के लिए सभाएँ भी ज़रूरी होती हैं, बार की खासियत बताने के लिए। अब यहाँ कौन सा आदमी ऐसा है जो मेरे बारे में नहीं जानता हो, अब हमारे बारे में जानकारी देने के लिए हम किसी बाहर के आदमी को बुलाएं, तो ये बात मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे भी स्टार प्रचारक बनाया, तो जहाँ जो बुलाता है, अभी मैं खंडवा गया, मानदाता गया, कल ही मैं गोविंद राजपूत का कार्यक्रम उन्होंने कहा था, हाँ वहाँ गया, आज प्रदीप लालिया फोन आया था कि भैया आप आ जाओ हमारे क्षेत्र में, आ जाओ थोड़े से, बंडा के प्रतिनिधि मिले थे परसों दमोह में मोदी जी की सभा में, तो मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा क्या हमारे, तो कुल मिला के जहाँ जहाँ हमारे समय मिलेगा जाएंगे, स्टार प्रचारक के नाते या पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन ईश्वर कृपा से बहुत ज़्यादा हमें सभाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाई साहब, एक सवाल है कि जब कोई काफिला निकलता है मंत्री का, मैंने कई बार दफा पूछा है, तो कई मंत्री निकलते हैं तो लोग अब शब्द भी कह देते, लेकिन जब गोपाल भार्गव निकलते हैं तो एक चमक रहती है आँखों में, एक खुशी रहती है, चाहे वो सागर में देखें, चाहे दमोह में देखें, आपके काफिला को देखने के लिए लोग, मतलब आपके, आपका चेहरा दिख गया तो बड़ी प्रसन्नता झलकती। तो ये प्रभाव जो है अकेली रहली में नहीं है, अन्य ज़िलों में भी देखने को मिलता है।
देखिए आजकल संचार साधन इतने हो गए हैं, मोबाइल है, टीवी, अखबार है, राज्य के और देश के हर व्यक्ति को हर नेता के बारे में पता है कि क्या है। हम तो एक गाड़ी जो हमें मिली थी अब तो छोड़ दी आचार संहिता है तो, और एक आध गाड़ी यदि पुलिस की हो तो ठीक है, वो फॉलो कहलाता नहीं, रास्ता बताने वाला कि ये रास्ता यहाँ से। मैंने कभी मंत्री पद पर रहते हुए गाड़ियों का काफिला नहीं बनाया, जरूरत भी नहीं है। और इसी कारण से लोग धीरे 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 ये हूटर बज रहा है, लाल बत्ती अब तो बंद हो गई है लाल बत्ती, और लगातार धमा चौकड़ी 8-10 गाड़ियाँ साए करती जा रही हैं। इससे आम आदमी के मन में से क्रोध का भाव, भय का भाव या आपके प्रति ईर्ष्या, 50 प्रकार के भाव पैदा होते हैं और वही भाव जो है वो नेता के लिए नीचे गिराते हैं। कई लोग जो सोचते हैं कि हम जो जलवा दिखा रहे हैं, बहुत से लोग जलवा दिखाते हैं अपने मध्य प्रदेश में भी दिखाते हैं, सब दुख रहा है, इस जलवे से हम बहुत दूर हैं। कुछ मतलब एक पहले नेता हो गए कि कोई गाली दे देता है, कोई अभी ऑडियो वायरल हुआ कि साहब हम आपको आपके बेटे को ट्रैक्टर से कुचलवा देंगे, माने गजब है कि वो माने अजीब टाइप का ये बयान है आज के आज में। आपके बेटे ने कहा कि कहीं कोई साजिश नहीं, इसकी जांच भी होना चाहिए। ठीक है, साजिश होगी तो निपटेंगे, जो कुछ भी होगा ईश्वरी कृपा। बहुत लोग आए बताए, नाम नहीं बता रहे, लगभग चौथा चुनाव था उस समय ददुआ डाकू था, चित्रकूट, बांदा, करबी, महोबा, हमीरपुर, बड़ा जलवा था उसका यूपी और एमपी के दोनों के बॉर्डर पे। ददुआ उसके बाद आया ठोकिया, दोनों डाकुओं ने मुझे कहा कि विड्रा हो जाओ तुम चुनाव से विड्रा हो जाओ। और जो हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा हुआ था कहा कि इसको जीतने दो, तो मैंने कहा गोली मार देना, जनता कहेगी विड्रा हो जाओ तब तो तुमने ठोकिया, तुमने 300 लोगों को ठोका है, 300 हत्याएं की हैं, गोपाल भार्गव इस मिट्टी का बना हुआ है, आप हमारे शरीर में हमारे वजन के बराबर आप शीशा डाल देना तब भी हम उठ के फिर कहेंगे कि जिएंगे तो जनता के लिए, मरेंगे तो जनता के लिए, गुंडे और डाकुओं के धमकियों में हम चुनाव नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो राजनीति का हमने कहा कि आप विश्वविद्यालय हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ सीटों में एंटी इनकम्बेंसी के दौर से वो गुजर रही, मैं समझता हूँ कि अगर जनता से 5 साल आप जैसी कनेक्टिविटी बनाए, एक बार आप जयवर्धन सिंह रुक गए थे आपके पास, वो कहा था उनके पिताजी ने कि अगर राजनीति की कहीं शिक्षा लेनी हो तो गोपाल भार्गव जी के पास बैठा। ये दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे से कहा था, वो उनका बेटा नगरी शासन मंत्री हो गया था जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कहा देखो यदि तुम्हें दीर्घकालिक राजनीति करना है, यदि लंबे समय तक लंबी पारी खेलना है अगर, तो तुम एक आध हफ्ते जाके गोपाल भार्गव के पास में रहो, उनके साथ में घूमो, कैसा करते हैं वो अपने क्षेत्र में, क्या बात होती है, क्या करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, इसको समझो तो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हो पाओगे। नव दुनिया अखबार में खबर छपी थी तो बड़ी बात है। और जो एक अच्छा नेता होता है वो अपने संतान के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए सही मार्गदर्शन और आदर्श वो होता है, जैसे हम हैं, जो हमसे बहुत वरिष्ठ होगा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, अच्छे सांसद रहे, अच्छे विधायक रहे या अच्छे लोकनायक रहे, तो ऐसे लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ उनकी डिबेट, उनका विचार, उनका आचरण। कई लोग दूसरी पार्टियों में भी कई मैंने देखा, नृपेन चक्रवर्ती जैसे लोग, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे लोग, हाँ, दो जोड़ी कुर्ते, दो पजामे या धोती, दो धोती और दो कुर्ते, और मुख्यमंत्री रहे 20 साल तक, और जब मिटे तो कुछ किताबें और बक्से में रख के और MLA रेस्ट हाउस चले गए। नृपेन चक्रवर्ती भी और भी लोग, अब उनकी पत्नी जो है वो थैला लेके, नृपेन चक्रवर्ती तो शादी नहीं की थी, लेकिन बंगाल के भी कुछ नेता ऐसे हुए कि जिनकी पत्नियां थैला लेके
सब्जी बाजार तक जाती थी, सब्जी लाती थी, बनाती थी, ना कोई रसोईया, ना कोई बनाने वाला, ना कोई नौकर, ना झाड़ू वाला, ना पोछे वाला, ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर भी हुए। यहाँ तो सरपंच के घर पे लग जाते लोग, नौकर लग जाते हैं, तो ऐसा युग भी देखा है। तो देखो, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सादगी जो है जीवन की, ये तो उसकी प्रशंसा करते हैं। क्योंकि है लाइने की कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। हम तो ये कहेंगे कि हस्ती बनाने में सदियों लग जाती है, बहुत तप करना पड़ता है, ये बहुत तपस्या है कि ऐसे ही मुकाम हासिल नहीं होते। ये बात सही है। जैसे ये अभिषेक है दीपू, बच्चियाँ थी, पढ़ना था, सागर में घर बनवाए वहाँ मकरोनिया पे। पहले तो पढ़ता था, हमारे मित्र ले गए थे इसको महाराष्ट्र में, और बच्चियाँ पढ़ती थी अपने मामा के यहाँ। कई लोगों ने कहा थे लंबे समय तक बच्चों को नहीं रखना चाहिए, तो 2-3 साल बाद हमने सागर में 1990 में, जब विपक्ष में विधायक थे, एक रजाखेड़ी मकान बनवाया, बच्चे रहते थे। तो सब्जी लेने के लिए मेरी पत्नी जो है उनके लिए, बच्चों के साथ ही रहती थी, सब्जी लेने के लिए टेम्पो से वो 3 बत्ती पे उतरी। तो सलाहकार जी मिल गए, उन्होंने हमें किया फ़ोन, उस समय मोबाइल नहीं चलते, डब्बे वाला फ़ोन। बोले भाभी जी को आप लोग ये टेम्पो से भेजते हो क्या सब्जी ले? तो मैंने कहा क्या कोई महारानी है क्या, राजमाता हैं कोई, विक्टोरिया एलिजाबेथ हो गई, ये गरीब से गोपाल भार्गव की पत्नी है, ठीक है चले गए टेम्पो से, कौन सी बेइज्जती होती है, कुछ नहीं है। उनने मुझसे कहा कि उनकी पत्नी तो ऐसी है, इनकी पत्नी ऐसी है, उनका नहीं, ये अच्छी बात है, ये गुण अच्छा है, और यदि ये रहेगा आएगा तो ये नाम कमाएंगे। और आज अच्छी बात यह है कि घर में जो भी महिलाएं हैं उनके बारे में लोगों की धारणा अच्छी है। एक व्यक्तिगत सवाल है, चूँकि बहू हैं आपकी, हमने एक हेडिंग में लिखा था मिनी गोपाल भार्गव, उनका जो अंदाज है, वो हमने इंटरव्यू भी किया था, बहुत शालीन महिला हैं और महिलाओं के बीच में जा रही हैं, बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वो कहती हैं एक भाषण में कि मैं इस घर की बहू नहीं होती और यहाँ मतदाता होती तब भी पहली वोट हमारी गोपाल भार्गव को ही जाती। ना भी आचरण देखती हैं वो भी बहू, और स्वाभाविक रूप से जो लोग राजनीतिक घरों में रहते हैं, अब 10 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने दीपू का यहीं सम्मेलन में और अपनी बिटिया का, एकमात्र बेटा है, यही सम्मेलन बाजू में जो हुआ था सम्मेलन, मैंने गरीबों के साथ शादी करवाई दोनों की। मैंने कहा उदाहरण, एक ने किसी ने कहा कि आप तो अपने बेटे की 5-स्टार होटल में शादी कराएंगे, मैंने कहा नहीं, इसी हमारे कन्या विवाह समारोह में, पुण्यवाह समारोह जो है, इसी में लड़के और लड़की की शादी कराएंगे, गरीबों की बेटे बेटियों के साथ में हमने किया। वो आचरण जो है शुरू से कहते, तो वो आचरण देखा, बहू ने भी देखा, सबने देखा, तो संस्कार जो आए कि भाई यदि घर राजनीतिक घर में है कोई महिला तो उसको भी इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए परमार्थ का। ऐसे नहीं कि हमारे ससुर जी मिनिस्टर हैं तो हम तो और सुपर मिनिस्टर हो गए, कई जगह है, कई जगह होता भाई। जब सरकार की क्या स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश में? सरकार तो बीजेपी की बनाई, कोई स्पष्ट कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बढ़िया योजना है, लाड़ली बहना योजना, किसान सम्मान निधि, संबलता, अभी परसों 7 तारीख को 1250 रुपये महिलाओं के घर खाते में डले, और सब मस्त हैं। अब तो कांग्रेस ही भी ले रहा मजा, कोस भले ही रहे हैं, धीरे से पैसा जेब में खोसते जा रहे हैं, रुपये ले भी को सबसे आगे, और पता ही नहीं चल रहा गोले आगे रख ला कांग्रेसियों ने। और जब बूटो हो जाओ भैया, हम तो कांग्रेस यहाँ आए, हमने आज हमारे दद्दा ने नहीं दई, हमारे बब्बा ने नहीं दे, कहूँ दूसरे को, हम तो असली कांग्रेस यहाँ आए। भैया मैंने कहा जब भाजपा की सरकार के तरह डब्बल आए तो धने लियो तुम, ए डब्बल को ना ही कर रहे हैं, डब्बल को ना ही कर रहे हैं, बड़े आए हैं कौन तुम्हारे आए। हमने कहा हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार ने दो, हमने कहा कुटीर नहीं, हमने 2.5-2.5 लाख की, तुमने कहा दो खपरा लो, दो एक कुटीर खम फिर रहे, मोई कुटीर नहीं मिली, मोई कुटीर नहीं मिली, अरे दादा आलो बोट दई का नहीं दई, कुटी को सबसे आगे होना है, छुई लो लेंगे पोत पे खिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ये गोपाल भार्गव थे, हम फिर कहेंगे कि
एक शेर है कि हजारों साल नरगिस, एक शेर है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई, बड़ी बड़ी देर से चमन में दीदावर पैदा होता है। राजनीति के हिस्से कई होंगे, राजनीति वो सियासत के करने के अंदाज तमाम होंगे, लेकिन जब जब मोहब्बत और प्रेम का जिक्र आता है किसी नेता के प्रति, इस लोकतंत्र में बहुत, दुनिया में बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिनको जनता चाहती है। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, आम आदमी पार्टी कहाँ है, तमाम नेता अपनी टीआरपी रखते हैं, लेकिन हम लगातार रैली विधानसभा में घूमे, कई लोगों की डिबेट की है, कई जनता से बात की है, तो वहाँ जो हमें अंदाज देखने को मिला कि हमारे गोपाल भार्गव, जय गोपाल, और भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का नाम नहीं, तो ये मोहब्बत और प्रेम का गड़ा कूटा है, ये प्रेम की रहली है, मोहब्बत से सींची हुई रहली है। जब जब आदमी तप कर अपनी जनता की सेवा करता है, लाख आ जाए उसे मिटाने वाले मिटा नहीं सकते, क्योंकि जनता जिसकी रखवाली करती है, हम फिर बार बार कहते हैं कि सर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में, यूं ही जमूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। आसू दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।